नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे अश्वगंधा के फायदे, नुकसान व सेवन की विधि। बिथानिया सोमनीफेरा, जिसे आमतौर पर अश्वगंधा के रूप में जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है जिसका उपयोग 3000 से अधिक वर्षों से आयुर्वेदिक और स्वदेशी चिकित्सा में किया जाता रहा है। अश्वगंधा के अर्क में कई बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं और इसी तरह एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनो मॉड्यूलेटरी गुण भी होते हैं। पौधे के अर्क और इसके बायो एक्टिव कंपाउंड का उपयोग गठिया, नपुंसकता, भूलने की बीमारी, चिंता, कैंसर जैसी कई बीमारियों की रोकथाम और उपचार में किया जाता है। अश्वगंधा के बहुत से गुण होते हैं और साथ ही रोगों को ठीक करने की काबिलियत भी। अश्वगंधा के फायदे। मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद। अश्वगंधा को मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। इसको आयुर्वेद में मध्य रसायन कहा जाता है, जो दिमाग की इन गतिविधियों में फायदा पहुंचाता है। एकाग्रता, लर्निंग, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, न्यूरल फंक्शन, मेमोरी प्रॉब्लम, अन्य ब्रेन डिसऑर्डर, अश्वगंधा इन दिमागी परेशानियों से निजात दिलाता है। अश्वगंधा ऑक्सीडेटिव तनाव के परिणाम स्वरूप दिमाग को न्यूरोडिजेनरेशन, न्यूरॉन फंक्शन का नुकसान से बचाता है। मोटापे को कम करता है। मोटापा चाहे किसी भी वजह से हो, थायराइड, डायबिटीज या कोई स्ट्रेस हार्मोनल कारण, अश्वगंधा मोटापे को कम करने का सबसे कारगर उपाय है। अगर आपके खून में लंबे समय तक स्ट्रेस के कारण कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है तो शरीर में चर्बी जमा होने लगती है और अक्सर आपको पता नहीं चलता कि मोटापे की वजह क्या है। इसके लिए अगर आप रोज सीमित मात्रा में अश्वगंधा का सेवन करें, अगर मोटापे का पारिवारिक इतिहास है तो उस केस में एक्सरसाइज के साथ अश्वगंधा का सेवन करें। आप इसे थोड़े गुनगुने दूध के साथ भी ले सकते हैं। शारीरिक क्षमता बढ़ाता है। अगर आपका काम बहुत ज़्यादा मेहनत वाला है या आप कोई खेल खेलते हैं तो आपके लिए अश्वगंधा लेना आपके शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है और आपको थकान भी कम होती है। इसके लिए आप प्रतिदिन 2 से 4 ग्राम अश्वगंधा का सेवन करेंगे तो फायदा होगा। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि वजन उठाने वाले लोगों के लिए अश्वगंधा का सेवन फायदेमंद हो सकता है। अश्वगंधा की जड़ को रसायन की औषधि माना जाता है, जिसका अर्थ है यह यौवन और दीर्घायु को बढ़ाता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। अश्वगंधा का सेवन खून में ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। अश्वगंधा लेने से पैनक्रियाज एक्टिव होता है, जिस कारण इंसुलिन का उत्पादन होता है। इंसुलिन ही ब्लड शुगर लेवल को शरीर में सही मात्रा में बनाए रखता है। इसके कारण डायबिटीज टाइप 2 की समस्या नहीं होती या फिर कंट्रोल में रहती है। एक अध्ययन में पाया गया है कि अश्वगंधा टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों में ब्लड शुगर को उतना ही कम करता है जितना कि डायबिटीज की दवा। एक अन्य अध्ययन से पता चला है कि अश्वगंधा ज़्यादा खुराक में लेने वाले लोगों के ब्लड शुगर में तेजी से गिरावट आई थी। टेस्टोस्टेरोन और मेल फर्टिलिटी को बढ़ाता है। आयुर्वेद के अनुसार अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है और इसके स्तर को प्राकृतिक रूप से बढ़ाता है। अश्वगंधा स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी और मोटिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ये आदमियों में रिप्रोड्यूस करने की क्षमता को बेहतर करता है। अश्वगंधा लेने की सबसे अच्छा फायदा यह है कि वो सब कर सकता है जो स्टेरॉइड करता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। यानी ये टेस्टोस्टेरोन का ज़्यादा उत्पादन प्राकृतिक रूप से करने में मदद करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। अश्वगंधा को लंबे समय से एक रिजुविनेटर, एक सामान्य स्वास्थ्य टॉनिक और कई स्वास्थ्य दिक्कत के इलाज के रूप में माना जाता है। कोरोना काल में भी लोगों ने इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया।
अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अश्वगंधा प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करता है, इन्फ्लामेशन का मुकाबला करता है, याददाश्त बढ़ाता है और सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। अश्वगंधा को सर्दी और खांसी, अल्सर, दुर्बलता, मधुमेह, मिर्गी, अनिद्रा, लेप्रोसी, पार्किंसंस रोग, नर्वस डिसऑर्डर, गठिया, आंतों में संक्रमण, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, नपुंसकता और HIV में इलाज के रूप में लिया जाता है। अश्वगंधा में एंटीवायरल और इम्यूनो बूस्टिंग पोटेंशियल होता है। स्किन और बालों के लिए वरदान, अश्वगंधा के पौधा त्वचा और बालों के लिए वरदान है। इसमें एंटी एजिंग और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल को नष्ट कर बढ़ती उम्र की झुर्रियों से बचाता है। यह त्वचा के जरूरी तेल को बनाकर सहायता प्रदान करता है और इसे मुलायम और नमी युक्त रखता है। अश्वगंधा कोलेजन और इलास्टिन यौगिकों को भी बढ़ाता है जो झुर्रियां और महीन रेखाएं दूर करता है। अश्वगंधा बालों को झड़ने और रूखे होने से बचाता है। मेलानिन कंपाउंड जो कि बालों और स्किन के रंग को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, अश्वगंधा इसे बरकरार रखता है और बालों को सफ़ेद होने से बचाता है। दिल को स्वस्थ रखता है। अश्वगंधा खून में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम कर देता है, तो जिन्हें भी हार्ट डिजीज है उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है। ये दिल के फंक्शन को सही रखता है। अश्वगंधा कार्डियोवैस्कुलर मांसपेशियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है, जिसके कारण हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है। एक स्टडी में बताया गया है कि खून में फैट की मात्रा को कम रखता है, तो ज़्यादा फैट के कारण दिल को होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। अश्वगंधा में एंटी ट्यूमर गुण होता है। अश्वगंधा में कैंसर या ट्यूमर जैसे घातक बीमारी को नियंत्रण में रखने की शक्ति होती है। पौधे के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना और पत्तियों से अलग किए गए अलग अलग कंपाउंड में महत्वपूर्ण कैंसर रोधी और इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग गुण पाई जाती है। इस प्रकार कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल से होने वाले साइड इफेक्ट से भी काफ़ी हद तक बचाती है। फीमेल फर्टिलिटी को सुधारता है। तनाव, हार्मोनल असंतुलन, पोषक तत्वों की कमी और बीमारियों महिलाओं में बांझपन का कारण बन सकती हैं। क्लिनिकल स्टडीज से यह पता चलता है कि अश्वगंधा थायराइड ग्रंथि के फंक्शन में सुधार करता है, जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार है। अश्वगंधा शरीर में तनाव कम करके हार्मोन को संतुलित कर सकता है और महिलाओं के फर्टिलिटी में सुधार कर सकता है। मेनोपॉजल लक्षण से आराम मिलता है। एक महिला की जिंदगी में जब मेनोपॉजल स्टेट आता है, तब कई तरह के मूड स्विंग और इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। अश्वगंधा इन लक्षण से आराम दिलाने में मदद करता है। अश्वगंधा इंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन सीधे रक्त प्रवाह में सीक्रेट करता है को उत्तेजित करता है और हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करने में मदद करता है। मेनोपॉजल महिलाओं के साथ किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि जब उन्हें अश्वगंधा दिया गया तो हॉट फ्लैशेस, मूड में उतार चढ़ाव और चिंता जैसे लक्षणों में कमी देखी गई थी। अश्वगंधा हाइपोथायरोइडिज्म में कारगर। अश्वगंधा खून में T4 और T3 हार्मोन के स्राव को बढ़ाकर थायराइड ग्लैंड के फंक्शन में सुधार करता है। इस तरह से लिपिड प्रोक्सीडेशन को कम करता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा फ्री रेडिकल सेल में लिपिड यानी वसा से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, जिससे सेल को नुकसान होता है। अश्वगंधा थायराइड ग्लैंड, दिल, त्वचा और शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं जैसे महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान से बचाने के लिए फ्री रेडिकल का सफाया करता है। यह शरीर को थकान, डिप्रेशन, कब्ज और मांसपेशियों में ऐंठन से राहत देता है। ये सभी हाइपोथायराइडिज्म
के लक्षण हैं। इन सब फायदों के अलावा अश्वगंधा के कुछ और गुण होते हैं, जैसे एडाप्टोजोन होने के कारण यह व्यक्ति के तनाव से निपटने की क्षमता में सुधार करता है। यह लोअर लिम्ब मस्कुलर की ताकत और न्यूरो मस्कुलर को ऑर्डिनेशन में भी सुधार करता है। अश्वगंधा के एंटी माइक्रोबियल गुण और एंटी बैक्टीरियल गतिविधियां खतरनाक बैक्टीरिया से बचाती हैं, जिसमें साल्मोनेला एक बैक्टीरिया शामिल है जो फूड पॉइजनिंग कर सकता है। आंखों की रोशनी के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। टीबी जैसी बीमारी का भी बेहतर प्राकृतिक इलाज है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक प्राकृतिक जड़ी बूटी है जो ज़्यादातर बीमारी के ठीक होने के लिए सबसे उत्तम इलाज है। अश्वगंधा को वैज्ञानिक तौर पर भी असरदार माना गया है। आज के तनावपूर्ण जिंदगी इसका सेवन करना आपके सेहत के लिए अच्छा साबित होगा। रोज इसका कम से कम सीमित मात्रा में एक समय सेवन करना आपके शरीर के फंक्शन को सही रखेगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।